स्टार्ट कर रहे हैं बिस्मिल्लाह से। चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 9 की केमिस्ट्री है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग हमसे सवाल ये जा रहा है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, कि डॉट किसको बोलते हैं, इसको डॉट बोलते हैं और इसको क्रॉस, डॉट क्रॉस की डायग्राम बना के आप क्या करें, इसकी वजाहत करें कि इनके दरमियान कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ठीक है। डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर हमारे को बनानी है। अब ये H2O किसका फॉर्मूला होता है, पानी का, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम है, पानी के अंदर हाइड्रोजन के दो हैं, यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, वन और टू, ये पानी की स्ट्रक्चर है, पानी का जो फॉर्मूला होता है ये वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनी हुई है। हाइड्रोजन में कितने एटम है, दो, और ऑक्सीजन का एक। आपको अच्छी तरह पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वन, यानी कि इसके न्यूक्लियस, इसके ऑर्बिट कितने, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ एक। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। तो यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। ये क्रॉस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, क्योंकि एटॉमिक नंबर है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। और यहाँ भी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन है तो लाजमी बात है, अब आ जाए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर क्या होता है, आठ, क्या होता है, आठ, यानी कि ऑक्सीजन के जो ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आठ। अब देखिए फर्स्ट कर लें, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो, दो में से आठ कितने बचे, छह, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, छह, एक, दो, तीन, चार और पांच, छह, यानी कि ऑक्सीजन के यहाँ पे देखें, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यह ऑक्सीजन का वैलेंस शेल है, लास्ट शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, छह। यहाँ देखिए ऑक्सीजन के लास्ट शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, छह। तो हमने डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर में, डॉट क्रॉस डायग्राम में ऑक्सीजन को ओ से जाहिर किया है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सही है। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक। तो लाजमी बात है, हाइड्रोजन को अपना बैलेंस शेल पूरा करने के लिए, ये देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बैलेंस शेल पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और चाहिए, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, तो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और चाहिए। तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, दो। इसी तरह यहाँ पर भी ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, तो हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, दो इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, दो, यानी कि हाइड्रोजन का वैलेंस शेल पूरा हो गया, दो दो इलेक्ट्रॉन से, दो इसके पास भी आ गए, दो इसके पास भी आ गए, ठीक है। और ये दो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक्स्ट्रा है, फालतू है, किसी काम के नहीं। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में छह इलेक्ट्रॉन थे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, जिसमें ये एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला गया, तो कितने हो गए हाइड्रोजन के पास, एक हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन का वैलेंस शेल पूरा हो गया। यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था वही हाइड्रोजन के पास चला गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, भी दो, ठीक है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इनके दरमियान कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं। और यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ भी हमने सिंगल लाइन लगा दी, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिंगल, कौन सा, सिंगल, ठीक है। मैं जो बात समझाना चाह रहा था आपको समझ में आ गई, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक, तो इनके दरमियान कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिंगल, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ना, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन एटम हमारा इन दोनों हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, और ये किसका फॉर्मूला है, पानी का, पानी का, तो ये वाटर पानी के फॉर्मूले की डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है, समझ में आ गई है, ओके, क्लोज इट।